हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज फिर मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम सेम 5 स्टेटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर है 2 और सम नंबर हमारा यहां पर है 10। चैप्टर का नाम है पॉइजन अतिगुणोत्तर वितरण। तो यहाँ पर दिया गया है कि पांच पाना डिड त्रण बोल, पांच पाने में कितनी बोल होती है, तीन बोल होती है, और 100 पाना में कितना पाना बे थी वधु भूल हसे। तो पांच पाने में हमारी भूल कितनी होती है, तीन भूल होती है, और 100 पाने का एक पुस्तक है उसमें 2 से ज़्यादा भूल हो गए उसका हमें पॉइजन वितरण ढूंढना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सम में। तो सबसे पहले पांच, ये देख लीजिए, पांच पाने में कितनी भूल होती है, तीन भूल होती है, तो एक पाने में कितनी होती है उसका हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो 3 into 1 upon 5, तो 3 into 1 upon 5, तो हमें m बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 0.6। m बराबर क्या मिला, 0.6। तो हमें क्या ढूंढना है, बे थी वधु भूल होए, तो बे थी वधु भूल तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, आगे बहुत सब हो सकती है। तो हमें वहाँ तक गिनने नहीं बैठना है, हमें क्या ढूंढना है, 2 से ज़्यादा भूल हो सकती है ऐसे पाने हमें ढूंढना है। मतलब कितनी भूल है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 2 से जितनी कम है उसे हम ढूंढ लेंगे। तो 0, 1 और 2 हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 2 से ज़्यादा कितनी भूल है, और उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है तो हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सूत्र हम यहाँ पर देखते हैं, प्रॉप एक्स बराबर ई माइनस एम इंटू एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो देखिए, ये हम सूत्र में सबसे पहले हम जीरो का गणना करते हैं। तो x बराबर हम यहाँ पर 0 लेंगे सबसे पहले, तो e माइनस m, तो m की जगह पर हमें क्या मिला, 0.6 मिला, और 0.6 की 0 घात। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर आया है, e माइनस 0.6 है, सम में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, e माइनस 0.6 हमें कितना दिया है, 0.5488। तो ये हमें दिया है e बराबर 0.6, तो 0.5488। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, m की 0 घात मतलब 1 ही आएगी, और 0 फैक्टोरियल मतलब 0 का ये भी 1 हो जाएगा। तो 0.5488 इंटू 1 upon 1, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 0.5488। इसी तरह x बराबर हम यहाँ पर 1 लेंगे, तो e माइनस 0.6, m की जगह पर हमने क्या रखा, 0.6, और x की जगह पर हमने 1 लिख दिया। इसी तरह 1 फैक्टोरियल, तो e माइनस 0.6 की हमें यहाँ पर दिया है 0.5488, और 0.6 की 1 घात, तो ये हमें 0.6 मिला, और 1 का फैक्टोरियल मतलब 1। इसी तरह हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.3293। तो इसी तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स बराबर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और एम की जगह पर हम 0.6, तो ई माइनस 0.6 इंटू 0.6 की 2 घात, एक्स की जगह पर हम क्या लेंगे, अब 2 लेंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ई माइनस 0.6 हमें दिया गया है 0.5488 इंटू, अब 0.6 की 2 घात, तो 0.6 इंटू 0.6, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.36 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 0.0987, ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद ये तीनों आंसर को हमें प्लस करना है, और उसमें से एक हमें माइनस कर देना है। तो हमने तीनों का यहाँ पर जो भी हमारा तीन जो भी आया, ये देख लीजिए, ये तीनों हमें प्लस करना है,
और उसमें से ये वन माइनस कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.0232। ये हमें क्या मिला, एक पाने की भूल मिली। ऐसी हमें 100 पाने की भूल ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.31। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी भूल, इसका आंसर मेन क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर आ चुका है 2.31। इसके बाद एक और मैं सम आपको बता देता हूँ। सम नंबर 13, यहाँ पर हमें क्या दिया है, मध्यक हमें कितना दिया है 0.81। मध्यक मतलब m, और वितरण माटे x बराबर 0 और x बराबर 2 ये हमें दिया गया है। और ढूंढना क्या है, हमें प्रमाणित विचलन हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए मैं सम आपको बता देता हूँ। एक ये सम है m बराबर 0.81 यहाँ पर हमें दिया है। प्रमाणित विचलन, ये m क्या है, मध्यक है, और प्रमाणित विचलन किसे कहते हैं, तो वर्गमूल में m ये हमारा प्रमाणित विचलन हो गया। तो 0.81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.9। और हमें ढूंढने के लिए क्या कहा है, ज़ीरो और टू कहा गया है। तो हम सिंपल सी एक सूत्र रख देते हैं, ई माइनस एम इंटू एम नी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल, और उसमें उसकी कीमत हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ई माइनस 0.81 इंटू 0.81 इंटू ज़ीरो घात अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल। तो ज़ीरो, ई माइनस 0.81 की कीमत हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है हमें यहाँ पर 0.449 ये हमें यहाँ पर दी है। तो हम एज़ इट इज़ यहाँ पर 0.449 इंटू 0.81 की ज़ीरो घात, मतलब ये तो एक ही हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरह हम टू का देखते हैं कि ये हमारा 0.049 इंटू 0.449 इंटू 0.81 की दो घात। अब हमें क्या लेना है, दो लेना है और टू फैक्टोरियल। मैंने दोस्तों यहाँ पर सीधी ही रकम रख दी है। आपको समझ ना आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप सूत्र लिखिए पहले और उसमें आप रकम लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह ये मैं इसका 0.81 की टू घात, तो हमें यहाँ पर मिला है 0.6561 अपॉन टू, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.1473। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 0.1473, ये देखिए 0.1473 ये हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैं आगे वीडियो ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ तो आप देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।